कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ हैं। आप अभी कश्मीर का और पूरा लेह लद्दाख किस तरह भी होके आए हैं, जो तालिबान में सिचुएशन बन रही है, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है तालिबान को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं वहाँ के जो कोर्स कमांडर थे उन लोगों को ये बताया कि ये स्पील ओवर इफेक्ट जिसको कहते हैं आज अफगानिस्तान में जो हो रहे हैं, इसका स्पील ओवर इफेक्ट हमारे हिंदुस्तान में भी आ सकता है और ख़ासकर कश्मीर प्रांत में। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स को और इस बारे में ज़्यादा सचेत होना चाहिए, साथ साथ कश्मीर की आम लोगों को दिल भी जीतना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं दिल और दिल्ली में दूरी वो नहीं रहने देंगे, लेकिन असलियत में अभी भी दूरी मतलब बढ़ते जा रहा है, मुझे ये लगा है। तो इसलिए मैं ये नसीहत के तौर पे, ये जो भी हो आप कहिए, मैं ये वहाँ कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दा हमारे ऊपर जरूर हिंदुस्तान में इसका असर हो सकता है, आप इस पे सचेत रहना चाहिए। तो आप सरकार को क्या जो है एडवाइस करेंगे, या क्या आपको लगता है कि सरकार को नीति अपनानी चाहिए अफगानिस्तान में तालिबान सिचुएशन बन रही है उसको लेकर? देखिए, सरकार कुछ होने का पहले जिस तरीके से अफगानिस्तान से प्लान कर रहे हैं, मुझे ये लगा कि ये इतनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। हमें हिम्मत बनाकर अफगानिस्तान में कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करना जरूरी था, इसलिए अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ हिंदुस्तान के लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट है। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के आम लोग बड़ा पसंद करते हैं, खासकर पिछले कई वर्षों में अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से बहुत सारे विकास की सारे स्कीम लिया गया था और बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बड़े जल्द नतीजा निकालते हैं। आपको लगता है इंतजार करना चाहिए था सरकार को, सबको नहीं लगता है? मुझे लगता है हो सकता है सिक्योरिटी सिचुएशन उनसे ज़्यादा मालूम हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा जल्दबाजी हो रहे हैं, क्योंकि अगर भाग जाए तो भागने में तो ठीक है, हम भागे पाकिस्तान चाहते हैं, हम भागे और हम वही करते हैं जो पाकिस्तान चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से वहाँ के आम लोगों के साथ हमारे रिश्ते में कोई तो कमी नहीं हुई, हमारे वहाँ सिक्योरिटी हम रख सकते थे, लेकिन हम कुछ होने के पहले भागने की एक पहल कर रहे हैं, मुझे लगा। आप तालिबान के थ्रेट को कैसे देखते हो? बहुत बड़ा थ्रेट है तालिबान की थ्रेट, क्योंकि सरकार तालिबान के साथ कभी तो एंगेजमेंट नहीं किया, इतने दिनों से तालिबान के साथ सरकार तो कोई एंगेज नहीं किया कभी किसी हालत में, तो हम अलग थलग हो रहे हैं, चीन पाकिस्तान रशिया एक एक्सिस में आ रहे हैं, हम अलग थलग हो रहे हैं जब तक कश्मीर अफगानिस्तान की मुद्दा है, और हम ही अलग थलग हो रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा अमेरिकियों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अलग थलग हो रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, हम ज़्यादातर अमेरिका की जो वहाँ जो पहल है उसको ज़्यादा हम पालन करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी होना चाहिए। अभी राजीव गांधी जी कह रहे थे, राजीव गांधी जी की भाषण पुराने याद के लिए यहाँ मतलब पुराने याद दिलाते थे कि द ड्रीम ऑफ राजीव गांधी वॉज टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। हम अपनी चुनावी मुद्दा में तो सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन विदेशी सवाल में हमारा आत्मनिर्भरता कहाँ है? हम तो अमेरिका को अनुसरण करते हैं, अमेरिका को हम फॉलो करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे खुद अपना रवैया तय होना चाहिए, हमें खुद अपना फैसला तय करना चाहिए। तो आपको लगता है वेट एंड वॉच पॉलिसी लेनी चाहिए जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए? तालिबान के साथ एंगेज जरूर करना चाहिए, अगर वो सरकार बनाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, सारे दुनिया उनके साथ एंगेज कर रहे हैं, हमें तालिबान के साथ जरूरत पड़े जिसके हाथ सत्ता रहेगा उनके साथ हमें तो एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे पैसे धन वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं। पर वो तो टेररिस्ट है ना? हाँ, जरूर टेररिस्ट है, लेकिन टेररिस्ट होने के बावजूद हम तालिबान के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं, लेकिन तालिबान के साथ अगर सरकार बनाएगा वो, तो हमारा
तो वार्ता करने के तो हालत हमें मतलब माहौल हमें पैदा करना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट सारे हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट रुकने के लिए एंगेजमेंट की तो ज़रूरत होते हैं ना, एंगेजमेंट की ज़रूरत होते हैं। तो ये एंगेजमेंट हमारा फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बनते हैं। बिना एंगेजमेंट, मान लीजिए ठीक है तालिबान के साथ डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए मुझे ये लगता है। क्योंकि नहीं तो मुझे ये देखते हैं कि मैं कि अलग थलग हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की, धीरे धीरे अलग थलग हो रहे हैं। रशिया एंगेज कर रहे हैं, चाइना एंगेज कर रहे हैं अपने को, ईरान भी एंगेज करेंगे, उनका हजारा कम्युनिटी है वहाँ, वो ऑलरेडी एंगेजमेंट में है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी हमसे बात करते हुए कैंपस से संजीत के साथ, सुप्रभात दोस्त, श्रीनिवास भारद्वाज। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क दो गज दूरी करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।